ये से रूपा जी, हमने सोयाबीन वायदा को फिर से $1,650 के ऊपर जाते हुए देखा है। यूएस सोयाबीन वायदा की बात की जाए अगर, वहीं पे अमेरिका में रिकॉर्ड सोयाबीन का अनुमान है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से अभी सोयाबीन का रिकॉर्ड बुआई का अनुमान लगाया गया है अमेरिका के अंदर, वहीं ब्राज़ील और अर्जेंटीना में पिछले साल के मुकाबले इस बार उत्पादन कम है, भारत में उत्पादन ज़्यादा था लेकिन रूपा जी कीमतें भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक मिलती नज़र आई हैं पिछले साल के मुकाबले, साल 2020-21 के मुकाबले 21-22 में। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी सोयाबीन की बुआई का रकबा बढ़ सकता है जिसकी वजह से सोयाबीन का बाजार पर कुछ प्रभाव पड़े? देखिए इस साल कीमतें ठीक ठाक बनी रही हैं तो ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि अगली बार जो है वो रकबा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, और जिस तरीके से इस बार प्रोडक्शन काफी कम रहा है एडिबल ऑयल पैक का, तो आगे चलकर उम्मीद है कि इस बार काफी जगह पर सोइंग अच्छी खासी हुई है और इंडिया में भी अभी थोड़ा सा प्रोडक्शन के ऊपर जोर दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आगे चलकर थोड़ा सा रकबा बढ़ सकता है। और बाकी क्रॉप कैसी रहेगी उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा, वेदर कैसा रहता है, ये सारी चीजें होती हैं, इसके बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में क्रॉप कितनी आई है और मार्केट में डिमांड कितनी है और फिर उसका क्या प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हाल फिलहाल का जो सिनेरियो है वो तेजी की तरफ है और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, हाँ बाजार अपसाइड में रहेंगे लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा और कभी कभी करेक्शन भी इसमें बनती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी अभी फिलहाल नहीं है जी।